नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस सामगढ़ में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से यहाँ पे जो नगर विकास एवं आवास विभाग की जो जॉब की नोटिफिकेशंस निकाली गई उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और जो लोग नए होंगे इस चैनल में तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांग है और किस डिपार्टमेंट में कितनी सारी वैकेंसी यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से निकाली गई। तो चलिए जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें जाकर मैं आगे की प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है ओपन हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो बताया गया कि डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग की तरफ से यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से इसका नोटिस यहाँ पे निकाली गई, जो कि यहाँ पे जो बोला गया कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर कॉन्टैक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ सिटी मैनेजर्स अंडर अर्बन लोकल बॉडीज 2020। तो यहाँ पे जो पोस्ट यहाँ पे बोली गई सिटी मैनेजर्स के लिए यहाँ पे निकाली गई, जिसमें यहाँ पे जो डिटेल्स ऑफ पोस्ट यहाँ पे जो बोली गई है सिटी मैनेजर्स के लिए, टोटल सिटी यहाँ पे जो निकाली गई 163 यहाँ पे निकाली गई, और कौन कौन से स्टूडेंट इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट अगर आप MBA किए होंगे या फिर PG डिग्री किए होंगे या फिर डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से अगर आप क्वालिफाई होंगे तभी आप जो है सिटी मैनेजर्स के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। अगर यहाँ पे जो भी कैंडिडेट आप सिटी मैनेजर्स के लिए आप सिलेक्टेड होते हैं तो उसको जो आपको सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी 40,000 आपको पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। एंड सेकेंड में देखें तो सेकेंड में आपके यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे दी गई, तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे किस किस कैटेगरी में कितनी सारी यहाँ पे सीटें बनाई गई हैं। तो UR के लिए यहाँ पे 38 सीटें हैं, एंड UR फीमेल के लिए 21 सीटें हैं, ST के लिए 2 सीटें हैं, ST फीमेल के लिए 1 सीटें हैं, ST वालों के लिए 19 सीटें हैं, SC फीमेल के लिए 9 सीटें हैं, ABC के लिए यहाँ पे 22 सीटें हैं, ABC फीमेल के लिए 10 सीटें हैं, BC के लिए 14 सीटें हैं, BC फीमेल के लिए 6 सीटें हैं, RCG के लिए 6 सीटें हैं, एंड EWS के लिए 10 सीटें हैं, EWS फीमेल के लिए 5 सीटें हैं। तो टोटल यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से निकाली गई है 163 यहाँ पे टोटल यहाँ पे सीटें निकाली गई है। उसके बाद नीचे में यहाँ पे नोट में यहाँ पे जो वैकेंसी यहाँ पे दी गई है, तो नोट में यहाँ पे जो रिजर्वेशन यहाँ पे बोली गई डी की कोटा के लिए आपको 6 सीटें यहाँ पे रिजर्वेशन है, एंड ग्रांड सन्स या फिर डाउटर्स के लिए भी आपको यहाँ पे 3 सीटें यहाँ पे रिजर्वेशन है, एंड नंबर ऑफ कैटेगरी वाइज वैकेंसीज में भी चेंज एंड विल बी इन्फॉर्म अकॉर्डिंगली। तो अगर आपको किसी भी तरह के अगर आपको सीटें में अगर वैकेंसीज में आपको चेंज होगी तो आपको यहाँ से बताई जाएगी। उसके बाद एज लिमिट यहाँ पे बोलेगी, तो यहाँ पे जो एज यहाँ पे बोलिए मिनिमम आपका जो है 21 ईयर का मिनिमम एज यहाँ पे बोलिए, एंड मैक्सिमम एज जो है आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे मैक्सिमम एज यहाँ पे बोलिए। तो जो लोग अनरिजर्व मेल में आते होंगे उसके लिए मैक्सिमम एज 37 ईयर्स यहाँ पे बोलिए, एंड जो लोग बैकवर्ड क्लास एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास से आते होंगे मेल या फीमेल किसी भी कैटेगरी में तो उसके लिए जो 40 साल यहाँ पे मैक्सिमम एज यहाँ पे बोलिए, एंड जो लोग अनरिजर्व फीमेल में आते होंगे उसके लिए भी 40 साल बोलिए, और जो लोग SC ST फीमेल या फिर मेल किसी भी आते होंगे उसके लिए 42 साल का आपको ये मैक्सिमम एज यहाँ पे बोली गई है। तो आप किस कैटेगरी से आते हैं उसके अनुसार आपको एज में यहाँ पे रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पे दी जा रही है। तो आप अगर लेना चाहते हैं एज में आपको आरक्षण तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे में नेशनली बोली गई, तो नेशनलिटीज में आपको ओनली फॉर इंडियन यहाँ पे सिटीजन्स बोली गई है, एंड नीचे में यहाँ पे जो बोली गई कि सिलेक्शन प्रोसीड, तो आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में यहाँ पे बोली गई प्रोसीमेंट ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म एंड प्रोस्पेक्टस एंड एग्जामिनेशन थी। तो आप इस फॉर्म को कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो फर्स्ट जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है इसमें आपको जाना है, इस पर आपको जाने के बाद अप्लाई का ऑनलाइन का लिंक होगा उसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेप वाइज यहाँ पे दी गई है, फर्स्ट में आपको जो है रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे बोली गई है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद स्टेप टू में यहाँ पे जो बोला गया कि बेसिक डिटेल, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको बेसिक डिटेल्स आपको फिल करना है। उसके बाद थर्ड में आपको स्टेप थ्री में यहाँ पे जो बोलेगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा उसको फिल करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन के आगे क्लिक करना है। उसके बाद ऑप्शन फोर में यहाँ पे जो बोलेगी वर्क एक्सपीरियंस, तो अगर आपके पास वर्क का एक्सपीरियंस होगा तो आपको यहाँ पे फिल करके सेव एंड नेक्स्ट का बटन को आपको क्लिक करना है। उसके बाद स्टेप फाइव में यहाँ पे जो बोलेगी अपलोड फोटो सिग्नेचर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, तो आपको जो है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको होगा उसको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे सिक्स नंबर में यहाँ पे जो बोलेगी कि स्टेप सिक्स में आपका यहाँ पे जो बोलेगी प्रीव योर अप्लीकेशन, तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड किए होंगे उसको आपको प्रीव्यू कर लेना है आपका हुआ या फिर नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टेप सेवन में यहाँ पे जो बोलेगी पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी, तो उसके बाद जो है आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट आपको कितना सारा आपको यहाँ पे अप्लीकेशन या फी आपको ली जा रही है, तो आप किसी भी कैटेगरी में आते होंगे SC ST UR OBC EBC या फिर DQ किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो उसको लिए आपको जो अप्लीकेशन फी ली जा रही है 2200 आपको अप्लीकेशन फी यहाँ पे ली जा रही है। तो इस
एप्लीकेशन फ़ी को आप कैसे यहाँ पे पे कर सकते हैं, तो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन किसी भी मोड से जो है आप इसका एप्लीकेशन फ़ी को आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट बाय चालान के थ्रू आप करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ से अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग थ्रू किसी भी तरह से यहाँ से जो है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप एट में यहाँ पर जो बोली गई कि डाउनलोड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म एंड ट्रांजेक्शन स्लिप, तो यहाँ पे आपको सभी आपको भर लेना है। उसके बाद जो इसका प्रिंट आउट होगा उसको आपको डाउनलोड करना है, जो जिसका आप एप्लीकेशन का फी को आप करते हैं उसका भी ट्रांजैक्शन स्लिप को भी आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नोट में यहाँ पे जो बोलेगी कि आफ्टर फिलिंग अप सक्सेसफुली ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड कन्फर्मेशन मेल विल बी सेंड टू दी कैंडिडेट ऑफ हर इज ईमेल आईडी, तो आप जिस टाइम आप इसका आप सक्सेसफुली कर लीजिएगा उसका जो है आपको ईमेल आईडी में आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन सेंड कर दी जाएगी, तो उसमें जो है आप जाकर जो है आप कन्फर्मेशन कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप अपना जो इस फॉर्म को आप आवेदन कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पे आप इस फॉर्म को कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो डेट देगी कि स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फी, तो इसका जो स्टार्टिंग डेट है 28/4/2020 से जो है इसका स्टार्टिंग डेट यहाँ पे बोलेगी, एंड जो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर फिलिंग अप ऑन एप्लीकेशन फी की यहाँ पे जो डेट दी गई है 27/5/2020 दी गई है, तो इस डेट से पहले जो है आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड में यहाँ पे जो डेट देगी डाउनलोडिंग ऑफ चालान, तो डाउनलोडिंग ऑफ चालान यहाँ पे बोलेगा 25 मई से इसका जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान डेबिट कार्ड क्रेडिट नेट बैंकिंग, तो यहाँ पे अगर आप जो है इसके थ्रू अगर आप यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हैं तो उसका भी डेट यहाँ पे 27 मई ही आपको यहाँ पे दी गई है। एंड यहाँ पे जो डेट दी गई पीरियड ऑफ ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो अगर आप किसी भी तरह के अगर आप फॉर्म भरने में अगर मिस्टेक कर देते हैं, गलत कर देते हैं, तो उसका एडिटिंग करने के लिए यहाँ पे जो डेट दी गई है 29/5/2020 से लेकर 3/6/2020 तक जो है इसका जो है एडिटिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट ड्यू डेट ऑफ CBT-1 का एग्ज़ाम, तो जो इसका CBT-1 का एग्ज़ाम यहाँ पे जो आपको यहाँ पे डेट मेंशन नहीं की गई है, तो आप जो है आप इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आप चेक करते रहिएगा, आपका जो CBT का एग्ज़ाम होगा उसी के थ्रू आपको नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है।